वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए पहले हम एक प्रश्न श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है गुरु जी, ऋचा ग्रेटर नोएडा से बोल रही हैं। इनका एक प्रश्न था कल, इनके पति देव का प्रश्न था, तो आपने कहा था कि जिनका प्रश्न है वो पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कह रही हैं कि गुरु जी, हम आपके आश्रम में दो बार आ चुके हैं, आपसे मिल चुके हैं, आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, और मेरे पति की आप में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए आप जो भी मार्गदर्शन करेंगे तो उनका पालन करेंगे, उनके पति देव। उनका प्रश्न है गुरु जी कि मेरे पतिदेव को बार बार शौच जाने की आदत है, वह रात में भी शौच जाकर भगवान की आरती और शालिग्राम जी की मालिश कर देते हैं और मना करने पर भी नहीं मानते। गंगा जल छिड़क के खुद पर रोज पूजा करते हैं बिना स्नान किए, सुबह स्नान करते हैं, रात स्नान नहीं करते, और यह सब करते हैं रात में पूजा से पहले गंगा जल छिड़क लेते हैं। कृपया करके उनको उचित मार्गदर्शन दीजिए। श्री राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे राधे। स्नान जो होता है मन को भी प्रभावित करता है। जो प्रतिदिन स्नान करता हो नियम से, यदि उसको आप स्नान न करने दीजिए तो उसका मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जैसे आपके दरवाजे पर कूड़ा रखा हो तो आप कहोगे भाई जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमको घर अच्छा नहीं लग रहा। ये मन की वृत्ति होती है स्वच्छता को स्वीकार करना। तो या तो मन को बिल्कुल भगवान के प्रेम में तन्मय रखो, भगवान के प्रेम में एकदम तन्मय जो रहेगा तो उसको शरीर का ध्यान ही नहीं रहेगा। शरीर का ध्यान नहीं है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है तो उसको स्नान का भी नहीं पता चलेगा। लेकिन यदि ऐसी पोजीशन अपनी नहीं है, हमको शरीर का ही अभ्यास अधिक है, भगवान में प्रेम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो स्नान की आवश्यकता नितांत है, आवश्यक है। तो आप ऐसा करिए, यदि आपको शरीर में पेट में कोई तकलीफ है जिससे बहुत बार शौच जाना पड़ता है तो सुबह तो एक बार संपूर्ण स्नान करना है सिर से, और उसके बाद जब जब आपको शौच जाना पड़े आप नाभि से ऊपर तक स्नान करिए। नाभि से ऊपर था छाती तक, छाती तक यहां तक स्नान करिए, और सिर पर पानी डालना आवश्यक नहीं है। छाती तक स्नान कर लेने से शुद्धता हो जाएगी, सुबह पूरा स्नान करना होगा। और बीमारी है ऐसी पेट की कि बार बार शौच जाना पड़ता है तो छाती तक स्नान कर लिया करिए, और रात्रि में भगवान की सेवा जब करना हो तब फिर सिर से स्नान कर लीजिए। लेकिन कभी आपको बुखार हो या शीत की अधिकता हो तो उस समय सिर मत भिगाइए, गले तक स्नान करिए। बुखार हो तब तो सिर बिल्कुल बाल नहीं भिगाना चाहिए, और गले तक स्नान कर लीजिए, मुंह धो लीजिए। लेकिन बिना स्नान किए भगवान की सेवा करना उपयुक्त नहीं होता है। तो स्नान करिए, या तो छाती तक करिए या गले तक करिए, मुंह धो लीजिए, सिर पर गंगा जल छिड़क लीजिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। मैं अहमदाबाद से साक्षी बोल रही हूँ। इनका पहला प्रश्न है गुरु जी कि मैं राधा नाम लेखन कर रही हूँ, क्या आप अपने राम नाम बैंक में उसको विराजित करेंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राम नाम बैंक नाम है राम नाम बैंक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल राम नाम ही जमा होता है। राम जी का नाम अर्थात भगवान का कोई भी नाम, सीताराम, राधेश्याम, नारायण, लक्ष्मी नारायण, शिव शिव और राधा राधा, ये सब जमा है यहाँ। राधा राधा नाम भी बहुत जमा है। आप जब राधा नाम लिख करके लाएंगे तो जैसे राम नाम जमा है ऐसे ही वो भी जमा होंगे। राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे संभाले, समझ में नहीं आता। घर वाले जबरदस्ती बुलवाते हैं, बोलने का मन नहीं करता है और बोलना पड़ता है। बस नाम जप ही करना चाहती हूँ, पर क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। और जो आप भगवान नाम के अतिरिक्त बोलते हैं ना, उसी को बंद कर दीजिए। और भगवान के नाम वो बोलते रहिए, उसको मत बंद करिए। जैसे किसी ने आपको बुलाया तो आप हाँ हूं मत करिए, सीताराम या राधे राधे ऐसे बोलिए, राधे राधे बोलिए। भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो वही नाम बोल करके संबोधन कर दिया करिए। स्वीकार भी करना है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, तब भी राधे राधे करके सिर हिला लीजिए, स्वीकारात्मक या निषेधात्मक जैसी आवश्यकता है। नाम प्रभु का बोलते रहिए तो बोलना भी हो जाएगा और समय व्यर्थ भी नहीं जाएगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी कि हम भगवान को माला करके, भगवान का माला करके जब अर्पित करते हैं तो उसके लिए कोई विधि है या राधे राधे बोलकर ही अर्पित कर दे, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। विधि तो ये है कि श्री कृष्णार्पण मस्तु ऐसा बोलिए, श्री कृष्णार्पण मस्तु, दो चार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी समय आपको नहीं याद है तो कन्हैया ये तेरे लिए अर्पण, सीधी सीधी बिना मंत्र के ही बोल दीजिए। जो हमने भजन जब तप किया, ध्यान पूजा किया, गोपाल ये तुम्हारे लिए अर्पण, ये हुआ हिंदी में। संस्कृत में बोलना है तो श्री कृष्णार्पण मस्तु, यही मंत्र है। राधे राधे। जय श्री सीताराम। गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, दिल्ली से हूँ। गुरुदेव प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति को उनके कार्य क्षेत्र में उनकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए कुछ लोगों ने झूठा कलंक लगाकर विलंबित करवा के 8 साल से परेशान किया। हमारा पूरा परिवार बहुत संघर्ष और दुख के सागर में रहा, जिसने जो बताया हमने वो सब उपाय किए। मेरे पति, मैंने और यहाँ तक कि मेरे छोटे बच्चे ने मिलकर कई दिन भगवान के अखंड जाप कीर्तन किए, तरह तरह से प्रभु को गुहार लगाई, उनको मनाने की कोशिश की। अंत में वृंदावन आकर मैं आपसे मिली और आपने बोला कि अपने पति से कम 11 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने को कहो। आपके निर्देशानुसार मेरे पति ने वो भी किया, पर अंततः हम हार गए और नौकरी छीन ली गई। प्रश्न यह है कि धर्म पर अधर्म और असत्य कैसे जीत गया, धर्म सच्चाई और ईमानदारी कैसे हार गई। सच कहती हूँ ठाकुर जी जानते हैं कि हमने ये समय कितनी कठिनाइयों से गुजारा है, पर अब तो हम सड़क पे आ गए। पति को बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं। हालात अब ऐसे हैं कि पति चिंता और अवसाद से शारीरिक रूप से इतने बीमार हो गए कि हर क्षण मृत्यु तुल्य कष्ट में है। अब क्या करें, ऐसा क्यों हुआ? आपके निर्देश का पालन करने के बाद भी गजेंद्र मोक्ष क्यों नहीं काम कर पाया? क्यों धर्म जीत गए और धर्म हार गया? क्या सच्चाई और ईमानदारी से जीने की ये सजा होती है? भगवान की परीक्षा समझते हुए कठिन समय को धैर्य पूर्वक सहा, भगवान के चरण पकड़े, अंततः हम हार गए। हमने तो आप जैसे महान संतों के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास किया और पालन भी किया, पर फिर भी हम हार गए। क्यों 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 ऐसा हुआ? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। राधे राधे। राधे राधे। ये आपको लग रहा है कि आपकी हार हो गई, क्योंकि जितनी जानकारी होती है उतना ही आदमी समझता है। वास्तव में ये पिछले जन्म का कोई है गड़बड़। ये आपकी सच्चाई के कारण आपकी हार नहीं हुई है, सच्चाई के कारण हार नहीं हुई है। पिछले जन्म का कोई ऐसा है कर्म जिसके कारण आपको ये घाटा हुआ है, इसमें सच्चाई की हार नहीं है। ये पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, उसी का भुगतान है जिससे आपको ये नुकसान हुआ है। लेकिन आप हार उसको मान रहे हैं, हार नहीं है। ये पिछले कर्मों का कोई ऐसा कर्म जिसका दंड मिला है वो पता नहीं है ना, इसलिए आपको वो मालूम नहीं हो पा रहा। यदि कोई पिछले जन्म का वृत्तांत किसी को मालूम होता ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप स्वीकार कर लेते। वह अज्ञात विषय है ना, इसलिए
बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन सच्चाई की हार नहीं होती है। ये सच्चाई की सत्य की हार नहीं हुई है, ये पूर्व कर्म का भोग है, दंड है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है कि नौकरी छूट गई। तो आप समझने की बात है, आप उसको समझोगे कि पिछला हमारा कोई कर्म था पिछले जन्म का, जिसके कारण ये संकट पैदा हुआ है, तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा आपका। अब मेरे विचार से तो आपको कुछ दूसरा कर्म कर लेना चाहिए, मतलब नौकरी या धंधा और कुछ खोजना चाहिए। जो चीज संभव नहीं है वो असंभव मान करके दूसरा कुछ उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछले प्रश्नों का समाधान करने के लिए गुरुजी आपको बारंबार धन्यवाद। गुरुजी मेरा नाम सोनू गुप्ता है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। प्रश्न है गुरुजी कि गुरुजी हमें ब्रज रज को शरीर में धारण करने के उपरांत क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मैं राम नाम का जप करता हूँ तो क्या ब्रज रज धारण कर सकता हूँ, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। राम नाम जप करते हैं तो ब्रज रज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वही राम जी हैं, कृष्ण बन करके यहाँ खेलते हैं वृंदावन में, तो आपकी ये शोभा ये है ब्रज रज धारण करना, परम कल्याणकारी है भक्त के लिए, तो शोभा की चीज है। और सावधानी की बात इतनी है कि जितना अधिक से अधिक बन पाए प्रभु का नाम जपते रहिए, यहाँ की स्मृति बनाए रखिए, और झूठ निंदा चुगली इन सब से बच करके रहिए। न तो कोई निंदा चुगली की बात आप बोलिए, न किसी का बोला हुआ सुनिए। कोई बोलता हो तो उठ जाओ, और खुद तो बोलना ही नहीं है। ब्रज रज धारण करने से बहुत कल्याण है, किंतु साथ साथ अपने वाक संयम, वाणी का संयम रखने से वो लाभ और बढ़ जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरुजी, गुरुजी तिलक उतारने समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, और क्या हम तिलक धारण किए हुए मुंह धो सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। तिलक धारण करते समय भगवान का नाम लेते लेते तिलक धारण करो, और जब मुंह धोना हो तो बस तिलक को बचा करके मुंह धोना चाहिए, नहीं तो बार बार आप कब तक लगाते रहोगे। तिलक बचा लो और पूरा मुंह धो लो, ऐसे धोना चाहिए। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरुजी, गुरुजी क्या नाम जप और लेखन दोनों एक ही होना चाहिए, जैसे मैं राम नाम का लेखन शुरू किया हूँ और राम जी के विजय मंत्र का जप करता हूँ, तो क्या यह सही है, कृपया बताने का कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जप करते हैं श्री राम जय राम, और लेखन कर रहे हैं राम 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 राम, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, कर सकते हैं। इनका आखिरी प्रश्न गुरुजी, गुरुजी क्या भगवान और देवी देवताओं में कोई अंतर होता है, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। देवी देवता होते हैं भगवान के सेवक, भगवान के सेवक होते हैं देवी देवता, और भगवान सब के स्वामी होते हैं, ये अंतर है खास। तो आपको प्रेम करना है भगवान से, और भगवान की पूजा करनी है, लेकिन यदि आपके मंदिर में देवी देवता भी हैं तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, जैसे कोई सपरिवार राजा या गुरु या महापुरुष आवे तो उनके परिवार की भी आदर की दृष्टि से उनकी पूजा आदि की जाती है, ऐसे देवी देवताओं का भी अनादर नहीं करके आदर ही करना चाहिए। श्री राधे। राधे राधे। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम। मेरा नाम आरती है और मैं फरीदाबाद से हूँ। इनका प्रश्न गुरु जी, कुछ दिन पूर्व मुझे स्वप्न आया कि मैं वृंदावन आई हूँ अपने परिवार के साथ, और जैसे ही मैं एक गली में निकली वहां मुझे आप अपने आश्रम के बाहर एक टीले पर बैठे दिखे। आश्रम झोपड़ी जैसा था, मैं देखकर बहुत खुश हो गई और दौड़कर आपके चरणों में पड़ गई। मैंने आपसे आपकी चरण रज मांगी, आप कुछ बोले नहीं
मुस्कुराकर आपने अपने दोनों चरण मेरे सिर पर रख दिए, मानो साक्षात मेरे प्रभु मिल गए मुझे, ऐसा अनुभव हो रहा था। अब मुझे ऐसा स्वप्न नहीं आता, क्या कुछ कृपा करके स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं गुरुदेव? कृपया राधे राधे बताने की कृपा करें। राधे राधे। स्वप्न भगवत संबंधी है, गुरु संबंधी है, संत संबंधी, भक्त संबंधी है, तो कल्याणकारी होता है। अब उसको बार बार लाभ प्राप्त करने के लिए उसको गुप्त रखना पड़ता है। यदि आपने किसी को बताया तो फिर से वो कृपा रुक जाती है, इसलिए उसको बताना नहीं चाहिए। बस इतनी ही बात। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं जयपुर से हूँ, नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। इनका पहला प्रश्न है गुरु जी। महाराज जी, 2020 में हम किराए के मकान में रह रहे थे, तो उस समय कोरोना फैल रहा था, लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा था और कोई काम धंधा भी नहीं था। ऐसे में सभी मकान मालिक अपने किराएदारों को किराए की छूट दे रहे थे। तो मेरे पति ने भी मकान मालिक से 2 महीने का किराया माफ करवा लिया था। फिर मेरे पति ने मुझसे आकर कहा कि मैंने किराया माफ करवा लिया है, मुझे यह अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद मकान मालकिन मुझसे मिलने आई, उसमें मेरा बेटा 10-11 साल का था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दें कि वह कमा कर 2 महीने के पैसे चुका दे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या दिया हो तो मुझे याद नहीं। अब महाराज जी बताइए कि क्या किराया मुझे देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे पति से तो उन्होंने माफ कर दिया था। श्री राधे राधे। राधे राधे। वह आप उनके सामने एक बार पहले ले जाइए कि 2 महीने का किराया आपका बाकी है, मैं ले आई हूं। अब उसके बाद उनकी इच्छा है लेने की है तब तो आप दे दीजिए। और ये जो कहते हैं कि नहीं मैंने तो माफ कर दिया था अब नहीं लूंगा, तो आप वापस अपने घर ले जाना। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी। महाराज जी, मैं हमेशा कम से कम खर्च करती हूँ खुद पर। जहाँ 200 की चीज आ रही हो वहाँ 100 रुपये से काम करती हूँ, और पति को भी कहती हूँ कि किसी का भी आपने कर्ज लिया हो तो उसे वापस कर दे, जिसमें से 4-5 मुझे पता है, बाकी नहीं पता। तो उन 4-5 को मैंने अपने पास से एक एक पैसा जोड़कर वापस कर चुकी हूँ, लेकिन महाराज जी वह दुकान पर किससे कितना कर्ज ले रहे हैं और अपना पैसा किसे दे रहे हैं यह मुझे नहीं पता। मैंने तो उनसे कह रखा है कि सबका कर्ज वापस कर दो और किसी से नहीं लेना है, जो हमारे पास है उसी से घर चलाना है। लेकिन मैं जिस हिसाब से घर चलाना चाहती हूँ और तरीका भी बताती हूँ कि इस तरीके से कर लो, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में घर चला लेंगे, आसानी से चल सकता है, लेकिन वह मानते नहीं। अब आप ही बताइए कि पति की गलती का परिणाम पत्नी को भुगतना होगा, तो ऐसे तो पति करोड़ों का खर्च कर रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं, और पत्नी कमाती ना हो तो वह कहां से चुकाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। आपका जो दायित्व था उसका निर्वाह आपने कर लिया, आपको उचित सलाह देना चाहिए तो आपने उचित सलाह दे दी। अब उनके हाथ में पैसा है, वो अपना जो नहीं समझ में आएगा वो करेंगे, समझ में आएगा वो करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी समझाना, सलाह देना, वो आपने कर दिया। अब आप उसके बाद भगवान में लग जाया करो, जितना जरूरी था उतना बोल दिया, दिन भर उनको समझाओ नहीं, एक बार उनको जितना जरूरी था उतना बता दो, फिर आप भगवान की भक्ति में लगे रहो, प्रभु का नाम जपते रहो और ठाकुर जी से बोल दो कि प्रभु जो मुझे समझाना चाहिए था मैंने बोल दिया, अब मेरी छुट्टी है, अब तो मैं आप में लगी हूँ, उनको जो करना वो जाने। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी। महाराज जी, हमारे घर के सामने पंडित रहते थे, वे सभी नौकरी वाले थे और प्याज लहसुन का सेवन भी करते थे। उनके यहाँ शादी थी और कुआं पूजन भी था, तो मेरे पति ने उनके लिए 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन मुझे वहां देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने व्यवहार के हिसाब से 200 रुपये दे दिए और 800 रुपये अच्छे यानी पुण्य काम में लगा दिए। यह सोचकर लगाए कि ऐसे ब्राह्मण को देने से अच्छा है कि किसी पुण्य कार्य में दिए जाए, और मैंने अपने पति को नहीं बताया। पति का पैसा पत्नी का भी होता है, यह सोचकर मैंने यह पैसा अच्छे कार्य में लगा दिया, तो क्या गलत कर दिया? यदि गलत कर दिया हो तो प्रायश्चित बताएं। कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे।
राधे राधे। आप स्वयं बता रहे हैं कि अच्छे कार्य में खर्च किया है, तो अच्छे कार्य को भगवान से जोड़ करके करो। भगवान से जोड़ने का मतलब कहीं ठाकुर जी का कीर्तन, भजन, सेवा, भंडारा, कथा वार्ता ये चल रहा हो, तब वो अच्छा कार्य हुआ तो फिर आप दोष से बच गए। भक्ति की तरफ ध्यान दो, आप पति के कर्तव्यों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दो तो फिर आपका भगवान में मन लगा रहेगा, फिर कोई आपको दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। श्री राधे गुरु जी, मेरा नाम नीलेश संगानी है और मैं गुजरात जूनागढ़ से बोल रहा हूँ। राधे राधे गुरु जी, प्रश्न है, आपने एक प्रश्न में योग वशिष्ठ को चित्तवृत्ति से अगले जन्म में जाने के बारे में बताया था, तो आज भी ऐसी या ऐसा कोई संत महात्मा है क्या जो अपनी चीज प्रीति से भूतकाल में जा सकता है, कृपया बताने की कृपा करें। राधे राधे। महात्मा हमेशा रहे हैं, आज भी आगे भी होंगे, लेकिन उनके पास ऐसे सब लोग पहुंचने लग जाए तो फिर सब भजन उनका खत्म हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ध्यान पूजा जब तब कहाँ से करेंगे। इसलिए ठाकुर जी उनको बचा के रखते हैं, हैं कभी कमी नहीं होती, अभाव नहीं है, लेकिन हम सामान्यतः उनको जाके घेरे, उनके भजन में बाधा डालें तो फिर उनकी हानि होगी, इसलिए भगवान उनको सुरक्षित बचा के रखे हुए हैं। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे राधे। मेरा नाम श्री पूजन सिंह है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। प्रश्न है, महाराज जी अचानक मेरा B12 में विटामिन घट जाने के कारण मैं बैठने में असमर्थ हो गया हूँ, जिससे आसन पर बैठकर नाम जप नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या भगवान मेरे से नाराज हो गए हैं, मैं दोबारा पाठ कैसे शुरू करूँ, और मेरा श्रीमद भागवत का पाठ भी छूट रहा है, अभी इलाज चल रहा है, कृपया कुछ बताने की कृपा करें। आपको पाठ छूटने का कोई दोष नहीं लगेगा, पाठ की जगह नाम जप धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, हल्का हल्का, बिना आवाज जोर से लगाए, बिना ज्यादा ताकत लगाए, धीमे धीमे प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दीजिए, जितने पाठ छूटे हैं सब की जो भरपाई हो जाएगी और उनसे भी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, पाठ छूटने की कोई भी कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि उन सबसे ज्यादा आप लाभ अर्जित, पूर्ण लाभ अर्जित कर लेंगे। और जो विटामिन B12 वाली बात है ना, तो ये एक बीमारी है, इसको आप भगवान से मत जोड़िए कि भगवान नाराज हैं या ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा मत सोचिए, ये शरीर की बीमारी, शरीर मिट्टी का है, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ होता रहता है, उसका दवाई कर लीजिए, इलाज करा लीजिए, उसको ये मत सोचिए कि भगवान ने हमारा पाठ क्यों छुड़ा दिया। अरे ठाकुर जी ये चाहते हैं कि पाठ कम कर दो जप बढ़ा लो, अब आप उस बात को मान नहीं रहे थे तो भगवान ने कृपा कर दी आपके ऊपर, ये कृपा कड़वी कृपा है थोड़ी, इसलिए कड़वी कृपा को आप अनुभव करिए कि जप बढ़ाने के लिए किया गया है, पाठ कम करने के लिए किया गया है, ये भगवान का रोष नहीं है, सुधार आपका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी महाराज जी मेरे को एक जाति समुदाय से विशेष चिढ़ है, पर संत जन कहते हैं कि किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, मेरे अंदर से यह भावना कैसे जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे। श्री राधे। उस जाति में भी कोई ना कोई भक्त हुए होंगे जरूर, जिस जाति से आपको चिढ़ है उस जाति में भी कोई ना कोई भक्त जरूर हुए होंगे, तो उन जाति के उन संत भक्त का नाम बोल दिया करो और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करो। जैसे मान लीजिए किसी जाति के संत हुए हैं, आपको नाम पता है, तो बस वही बोल करके सिर झुका लिया करिए उनको कि उन्हीं के ही ये परंपरा के हैं ये, तो आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आपको हानि होगी, क्योंकि भगवान तो सभी के अपने हैं, भगवान किसी जाति के पराये, किसी जाति के अपने ऐसा नहीं है, ठाकुर जी के भक्त हर जाति में हुए हैं, हर जाति में भगवान के भक्त हुए हैं, बड़े से बड़े, महान से महान,
तो हम जब भगवान उनको अपना मानते हैं, पराया नहीं मानते, तो हम क्यों उनको पराया मानेंगे भाई? हमको उन्हीं के उन महान संतों पूर्वजों को याद करके उनको प्रणाम करना चाहिए। राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, मेरा नाम अविनाश पांडे है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि हम अपने पिताजी के दिवंगत आत्मा के लिए रामायण, गीता, भागवत का पाठ कर रहे हैं और आगे भविष्य में भागवत करने की भी योजना है, तो क्या इन सब से उनको शांति प्रदान होगी? कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। ये जितना ही आप गुप्त रखेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा, जितना ही इसका विज्ञापन होगा, लोगों को दिखावा होगा कि ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो प्रभाव कम हो जाएगा। आप अपने घर में चुपचाप करिए, ये गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, पिताजी के या पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो उसका सफल प्रयोग होगा। जितना ही प्रसार प्रचार होगा उतना प्रभाव कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न भी गुरु जी इसी से मिला जुला है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या वह उन्हें प्राप्त होता है? ऐसा मन में संशय आता है कभी कभी, तो क्या ऐसा होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। उसमें जितना अंश आपका शुद्ध सात्विक परोपकारमय और प्रदर्शन से विहीन होता है उतना उनको जरूर प्राप्त होता है। जहां बनावट होगी, सात्विकता की कमी होगी और लोगों की वाहवाही की इच्छा होगी, उतना कट जाता है। तो आपको बहुत सात्विक शुद्ध रखना होगा तो उन्हीं को प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, मैं सुधा पांडे गया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैंने गृहस्थ गुरु से दीक्षा ली है, ना वो संत हैं और ना ही कोई महात्मा, परिवार वाले हैं, तो क्या उनसे ली हुई दीक्षा पूर्ण है? वैसे मैं गुरु मंत्र जपती हूँ, हरे राम हरे कृष्ण भी जपती हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। श्री राधे राधे। राधे राधे। भक्ति का मार्ग ऐसा है भक्तों कि इसमें गृहस्थ विरक्त वाली बात नहीं चलती, इसमें भक्ति वाली बात चलती है। आपके गुरुदेव जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति उनके अंदर है, प्रभु के प्रेमी हैं, शुद्ध सात्विक वैष्णव हैं, अर्थात सच्चे भगवत भक्त हैं, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, उनकी भक्ति के प्रताप से शिष्य को लाभ जरूर मिलेगा। तो आप उनके गृहस्थ या विरक्त जीवन को मत देखिए, आप उनकी भक्ति, उनके भाव, उनके प्रेम, उनकी वैष्णवता, ये देख करके ही उनको प्रणाम किया करिए। आपके प्रणाम से उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मुख्य बात यह है कि भक्ति ही होना चाहिए, गुरुदेव के अंदर भक्ति है। अब आप उनसे दीक्षा लेकर के उनके मार्गदर्शन में साधना करिए। यदि कोई विरक्त ही मान लो हो और भक्ति नहीं है उनके अंदर, तो उनसे ज्यादा उन गृहस्थ से लाभ मिल जाएगा जिनके अंदर भक्ति है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि एक शाम संध्या पूजा के समय में अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी मेरे अंदर एक विस्फोट हुआ और जोर से धक्का लगा। उसके बाद एक अग्नि का गोला जो मेरे अंदर ऊपर आने की कोशिश करने लगा। दो दिन मुझे कुछ शरीर महसूस नहीं हुआ, अपनी आवाज भी दूर से आ रही थी। वह अग्नि बहुत ज्यादा वेग के साथ ऊपर आ रही थी परंतु आ न सकी। अब भी झटका लगता है, झटका आता रहता है और वह शक्ति ऊपर आना चाहती है पर वह ब्लॉक हो रही है। चक्कर महसूस कर सकती हूँ, वाइब्रेट महसूस कर सकती हूँ। मेरुदंड में दर्द होता रहता है और गंध महसूस होती है। उसे शक्ति पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नाम जप करूँ या कोई पूजा या कोई भजन भी सुनूं तो वह झटके से मेरे ऊपर आती है। मुझे क्या करना चाहिए, किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। कृपया, मेरे कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई साधन नहीं की है, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और कुल देवी की भी पूजा करती हूँ। धन्यवाद बताने के लिए, मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। पहली बात तो यह है कि आपको खान पान बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा।
लहसुन प्याज बैगन नहीं खाना है, गंदा आहार नहीं खाना पीना है, और ऐसे गंदे खान पान वालों का संग नहीं करना है। उनका संग करने से, उनकी बात बोलने से, उनके मुंह से हवा जो आती है शरीर पर, तो वो भक्ति में बाधक पड़ते, बाधक बन जाता है। इसलिए गंदे खान पान वालों से साथ मत करो, अपना खान पान शुद्ध रखो, और जितनी देर अधिक से अधिक बन सके आप नाम जप करो, और राम नाम चमचमाता हुआ आप या तो बनवा लो सामने रखो, और नहीं तो कल्पना से ध्यान करो राम नाम चमचमाता हुआ, और वही अपने अंदर मेरुदंड में आप देखो आंख बंद करके कि हमारे मेरुदंड में अर्थात जो चक्र हैं, उन चक्रों के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, इन सब में चमचमाता हुआ राम नाम घूम रहा है। आंख बंद करके देखते रहो ध्यान कर, ध्यान के द्वारा मन के नेत्रों से, तो कुछ भी निगेटिव चीज नहीं होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।